एक्चुअली स्कूल ऑफ लाइफ से पहले मैंने अविनाश अरोल सुना था क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रोजेक्ट को हेल्प कर रहे हैं, तो मैं बहुत सालों से चाहती थी कि मैं इनके साथ काम करूं. और उसके बाद स्कूल ऑफ लाइफ का पता चला, जो सब्जेक्ट है और जो इतनी खूबसूरती से शानी ने लिखा है, सो इट वाज जस्ट नो ब्रेनर जिसे कहते हैं. यू नो, एक एज एन एक्टर आपको बहुत कम सब्जेक्ट सामने ऐसे आते हैं जो आप जानते हैं कि आप वो करेंगे. आपको डर लग रहा है, आप एक्साइटेड हैं, ऑल काइंड ऑफ इमोशंस गो थ्रू योर माइंड, बट very very happy to be a part of school of life. Which is right, naam kahani ka kya hoga wo to badalte badalte badalta rehta hai. Directors ka naam aksar nahi badalta hai, jo achhi baat, aur unhone kamaya hai apne naam ke liye ek goodwill na. Unke sath pehle kaam kiya tha, wo kaam karne se pehle qila dekhi thi, qila dekh ke laga oho acha rahega kaam kare to. किया तो छोटा 20 मिनट की कहानी थी. तीसरे दिन कहा अविनाश ये तो और ज़्यादा काम करना है आगे. फिर ये जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो बातचीत हुई, करना चाह रही थी, कर लिया. फिर कहानी भी वो और बेहतर शब्दों में बताएंगे कि बहुत ज़रूरी है कहानी. तो कहानी सुंदर है, वो अच्छा काम करते हैं. फिर जैसे जैसे और कौन है नाम जितने सुनती गई, मुझे लगा ये बहुत ही अच्छी कंपनी में मैं होने वाली हूँ, ज़रूर ये जाके अपना बेस्ट में करके आती. सेम अविनाश अरुण फॉलोड बाय स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट अच्छा था, कैरेक्टर अच्छा था, लोग अच्छे थे. देखिए, एक्टर या तो पैसे के लिए काम करता है या लोगों के लिए काम करता है, मतलब लोग इन द सेंस कि लोग जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ. तो यहाँ हम अच्छे लोगों की वजह से आए, पैसों की वजह से नहीं. नहीं, मुझे तो मतलब इस दुनिया के ऊपर, बोर्डिंग की दुनिया के ऊपर एक्चुअली बहरहाल मैंने जब पहले कुछ इंसिडेंट्स पढ़े थे न्यूज़पेपर्स में, और ये किसी एक कहानी पे या फिर एक इवेंट पे बेस्ड ऐसा नहीं है. देयर लाइक इट्स लाइक बहुत सारे इंसिडेंट्स को जब मैंने पढ़ा और यू नो एनालाइज किया, सोचा, उसके बाद लगा कि एक इस तरह की एक कुछ कहानी हो सकती है जो सिनेमैटिकली भी इंटरेस्टिंग हो, जिसको दर्शाना, एट द सेम टाइम जो यू नो ऑडियंस जिसको देखे और कुछ एक नया एक डायलॉग देखने के बाद एक शायद शुरू हो, और कई अगर उनको अगर कुछ एक जो ऐसे सवाल जो अक्सर हम अपने आप से नहीं पूछते हैं या फिर दूसरों को नहीं पूछते हैं, यू नो जो दबा दिए जाते हैं या फिर जिसको बहुत, क्योंकि ऐसा सच, क्योंकि ऑब्वियसली ये टाइटल जो है वो स्कूल ऑफ लाइज के बारे में बोल रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सच है जो जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करना चाहते सोसाइटी में. तो उन सारे ट्रूथ्स को किस तरह से दर्शाया जाए, ये इसके पीछे की भावना थी. और ऐसा कुछ करने को मिलना, यू नो इस तरह की कहानी बोलने को मिलना, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि डिज़्नी प्लस हॉटस्टार और बीबीसी इंडिया ने हम सब पे ट्रस्ट किया, यू नो. And I'm really excited now that it's coming out. Yeah. उन्हें स्कूल की बात करते हैं ना, सबसे पहले हमारी स्कूल की यादें हम रिकलेक्ट करने लग जाते हैं. तो जब आपने सुना था यू नो स्कूल ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले आपके स्कूल की क्या मेमोरीज जो रिकलेक्ट हुई थी आप लोगों को, एनीवन यू लाइक टू शेयर? मैं भी ऑल बॉयज स्कूल में गया था, जैसा कि ये स्कूल ऑफ लाइफ का है, लेकिन मैं बोर्डिंग में नहीं था. इनफैक्ट मैं स्कूल से 2 मिनट की दूरी पर रहता था, और मुझे याद है मैं लंच ब्रेक के लिए, हमारे पास एक लंच पास होता था जिसको लंच टाइम पे मैं घर जाके खाना खाता था. सो हाँ, मतलब स्कूल का टाइम ऐसा है, आई थिंक एडल्टहुड में आने के बाद आपको कॉलेज ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग लगता है,
लेकिन स्कूल में एक इनोसेंस होती है, वो वही एक चीज़ है देखिए, क्योंकि इंसान उस वक्त अपनी ज़िंदगी को एनालाइज नहीं कर पाता, उस वक्त हम बस वी आर गोइंग थ्रू इट, वी आर जस्ट लिविंग आर लाइफ डे टू डे, ठोकर खा रहे हैं, मार पड़ रही है, ये हो रहा है, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, बट वी आर गोइंग थ्रू इट. इट्स ओनली व्हेन यू लुक बैक इज दैट यू आर एबल टू, आप उस पर लेबल लगा सकते हैं कि इस वक्त शायद मेरे यू नो मेरी ज़हनियत, मेरा मेंटल स्टेट ये था. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फेज होता है इंसान की ज़िंदगी में, जिसको आप सिर्फ यू नो पीछे देखते हुए आप कर सकते हैं एनालाइज. जब आप जा रहे हो उसके थ्रू, तब आपको बहुत बहुत कम पता होता है उसके बारे में. और ये बहुत ही दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस, एंड दैट्स आई गेस दैट्स द कनेक्शन विद द शो दैट मेक्स इट मिस्टीरियस एंड इंट्रीगिंग एंड इंटरेस्टिंग एज वेल. आई गेस मुझे लगता है कि मतलब एनालाइज जो स्टूडेंट स्कूल लाइफ को किया जाता है वो सिर्फ मार्कशीट के पन्नों के ऊपर किया जाता है अक्सर, और वो एक दिन की बात होती है यू नो, और वो सिर्फ वो उस क्षण की बात होती है, और वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात होती है, वो मार्क मतलब आपने क्या लिखा वो अलग चीज़ है. लेकिन जो आप ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बच्चे किस दौर में से गुजर रहे हैं, और मतलब मैं खुद कहाँ से गुजरा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मार्कशीट तो छोड़ दो, लेकिन मुझे कभी किसी ने बात की मेरे साथ कि क्या हो रहा है तेरे साथ, क्या लग रहा है तुझे, यू नो सब एक ही सवाल पूछते कि बड़ा होकर क्या बनेगा, या फिर कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, या फिर क्या है, लेकिन कौन मेरे साथ मेरी इनसिक्योरिटीज़ को लेके, या फिर मुझे क्या मतलब, क्योंकि उस उम्र में अगर कोई अगर एक यू नो इस तरह की बातें अगर, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो उस बिल्कुल ही नहीं होता है, लेकिन कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स आर बिज़ी यू नो, आपके ही हम उम्र बच्चे आपके साथ होते हैं, और वही और उनको ऑब्वियसली इस तरह की मैच्योरिटी है नहीं, वो अपने आप में एक अलग कॉम्पिटिशन में लगे हुए होते हैं यू नो, किसी बच्चे को अच्छा दिखाना, किसी बच्चे को बुरा दिखाना, या फिर बहुत एक लड़कपन में उलझे हुए होते हैं. लेकिन एक मच्योर एक पर्सपेक्टिव जो एक इंस्टीट्यूशन एक जो देना चाहिए हमारे यहाँ पे यू नो, वो अक्सर बहुत कम स्कूलों में होता है. मेरा एजुकेशन सिस्टम के साथ जो मेरा जुड़ाव रहा है वो बहुत बचपन से इसी वजह से रहा है, क्योंकि माई फादर वॉज एन एजुकेशनल ऑफिसर एंड आई हैड सीन लॉट ऑफ टीचर्स कमिंग एट माई प्लेस एंड डिस्कसिंग थिंग्स एंड यू नो वो सारी चीज़ें चलती थी. और एक वाकया बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया मुझे याद है, जब एक फोर्थ या सेवन्थ स्टैंडर्ड में था, और एक स्कॉलरशिप्स की जो एक एग्ज़ाम होती थी कुछ एक वोकेशनल ट्रेनिंग की या फिर कुछ आई डोंट नो, तो मैं एग्ज़ाम दे रहा था, लाइक वन ऑफ द टीचर्स केम टू मी विद अ चिट जस्ट बिकॉज आई एम एन ऑफिसर्स सन, एंड लाइक एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों मेरी तरफ क्यों आ रही है ये. और मैं बौखला गया और मैंने उनसे बहुत बदतमीजी से बात की, मैंने मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है यू नो दैट लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो, मुझे बहुत हर्ट किया उस चीज़ ने कि क्यों मतलब मैं लिखूं नहीं लिखूं, मुझे जवाब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये अलग बात है यू नो, लेकिन मैंने कभी आज तक कभी चीट नहीं किया. और आप मुझे आप बोल रहे हो कि आप ये ले लो, और आप तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जो मुझे लगता है कि, लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखा दिया उस बात ने कि यू नो कि दुनिया एक अडल्ट की दुनिया कैसी है, क्या है यू नो किस तरह के, तो मुझे नहीं लगता था कि या तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं. और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक चाइल्डहुड डिप्रेशन नहीं बोलूँगा बट, लेकिन एक उस सेंसिटिव उम्र में बच्चे, कुछ बच्चे शांत होते हैं, कुछ बच्चे एक्सप्रेसिव होते हैं, और कुछ 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 बच्चे बहुत ही सिक्योर्ड एनवायरनमेंट से आते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड एनवायरनमेंट से भी आते हैं, और एक दूसरे से टकराव उनका उस दौरान होता है. और जब बच्चे यहाँ पे मतलब एक बोर्डिंग स्कूल को चुनना इस वजह से था क्योंकि यहाँ हर किसी को एक 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 वहाँ पे ना एक एक समान एक एक एक, एक स्तर मिलता है वहाँ पे. लेकिन लेकिन और कितने बच्चे जो है अपनी मर्जी से आते बोर्डिंग में, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बच्चे अपनी बोर्डिंग से कोई मतलब एक सात साल का मतलब एक छठवीं सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे जो अपने आप चाहेंगे कि हाँ मुझे बोर्डिंग जाना है, मुझे मेरे बाबा माँ बाप से दूर जाना है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि बोर्डिंग अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट. वॉट वी आर लाइक जस्ट ट्राइंग टू लाइक यू नो कन्वे हियर इज दैट लाइक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट दिस मैटर सेंसिटिवली,
और एक अलग तरह का डायलॉग करना अपने बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, यू नो. और या दिस इज व्हाट दिस शो इज अबाउट. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट? जी मैं एक्चुअली आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं कुछ 6-7 स्कूल्स गई हूँ. तो मेरे साथ मेरा बचपन, मुझे पता ही नहीं था कि एक स्कूल में पूरा समय गुजारा जा सकता है. मेरे लिए वो रियलिटी थी कि हर 2-3 साल बाद हम अपना बोरिया बिस्तरा बांध के और कॉन्वॉयज़ में जाते थे, यू नो, ये कैंटोनमेंट से वो कैंटोनमेंट, और वो ट्रेन ली और फिर वहाँ चले गए. तो मेरा चाइल्डहुड जो है वो ऐसा निकला कि हर 2-2.5 साल में मुझे अपने आप को एक हर स्कूल में री इंट्रोड्यूस करना पड़ता था. नए दोस्त, नया, मैं निम्रत हूँ, मैं अच्छा, मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मेरे दोस्त बनेंगे क्या? और उस दौरान आई थिंक मैं आज ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं एक्टर इसीलिए हूँ क्योंकि एक जो कॉमन कड़ी थी उस पूरे समय में वो ये थी कि मैं हमेशा स्टेज पे कुछ ना कुछ ज़रूर करती रहती थी. बिकॉज मुझे समझ में आ गया था कि वो एक ऐसा तरीका है जहाँ पर आपको लोग मिल जाते हैं, यू नो, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लोग आपको, आपका नाम पता चल जाएगा लोगों को. मैं हमेशा कल्चरली ज़रूर कुछ ना कुछ करती रहती थी स्कूल में, कोई कुछ तो ड्रामा, डिबेट, कुछ ना कुछ, जब जो मुझे स्टेज पे ले आए किसी ना किसी तरह. तो मेरी स्कूल की सबसे अच्छी मेमोरीज वो हैं. एक वो कॉमन थ्रेड हमेशा रहा है. कुछ स्कूल्स अच्छे थे, कुछ स्कूल्स इतने अच्छे नहीं थे. लेकिन एक अच्छे स्कूल का डेफिनेशन यही है, और मैं अपने हमारे शो के साथ उस बात को ज़रूर रिलेट करूँगी कि एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों के लिए नर्चरिंग होना चाहिए, और बच्चों में एक कम उम्र में कोई डर ना पैदा हो, वो सिक्योर और कॉन्फिडेंट अडल्ट्स बन पाएँ, एटलीस्ट इन द बेस्ट कैपेसिटी जो भी स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर यू नो उनको किसी भी तरह का डर ना हो. आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और एक अच्छा स्कूल मेरे हिसाब से वही होता है जहाँ पे बच्चे इनकरेज रहते हैं हर एक अपना एस्पेक्ट एक्सप्लोर करने के लिए, भले वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, यू नो, इट्स नॉट एन एप्पल्स टू एप्पल्स कॉम्पिटिशन. यू नो, एवरी चाइल्ड इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हु दे आर. सो दैट फॉर मी इज़ अ गुड स्कूल, एंड आई बीन वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन सम ऑफ. मेरी मेमोरीज तो काफ़ी सारी आ रही है, बट एक जो मुझे लगता है अभी मीठी लग रही है वो मेरी इंग्लिश की टीचर थी सोनी रुद्रा मैम. एंड आई, मुझे नहीं लगता कभी मैंने उन्हें थैंक यू कहा होगा, बट अभी कह देती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती थी फर्स्ट आ जाऊँ एकेडमिकली, सेकेंड या थर्ड रह जाती थी, और जैसे हर कॉम्पिटिशन में ये जाती थी, मैं जाती थी फर्स्ट आ गई, सेकेंड आ गई, थर्ड आ गई, कोशिश हो रही है हर जगह जीतने की. एंड जब मुझे लगा कि मैं पढ़ाई में पीछे छूट रही हूँ, उस डर से मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर को कर एक्स्ट्रा कहते थे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट मानी नहीं जाती थी वहाँ पे, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं उसको छोड़ दूँ ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊँ अकेडमिक्स में. मैं वो गलती करने वाली थी, बट सोनी मैम ने मुझे कहा कि तुम जानती हो जो दूसरी बच्ची है फर्स्ट आती है, तुम सेकेंड थर्ड आती हो, बट आई लव यू मोर. सर वाई? शी सेड बिकॉज यू एक्सेल इन डिफरेंट थिंग्स, सो टू बिकम परफेक्ट इन वन, डोंट लीव सो मेनी कलर्स दैट यू हैव. तो वो सब मत छोड़ते रहो, हर चीज़ करते रहो, कोशिश करते रहो, नहीं होगा नहीं होगा, बट डोंट बिकम अ किताबी कीड़ा, दैट विल टेक यू नो वेयर. अब ये भी समझ में आता है कि उन्हें कोई और आपको वैलिडेशन दे या ना दे, आप खुद ये देख लो आपको अच्छा क्या लग रहा है, लेकिन अपनी तरफ से जो बेस्ट था उन्होंने कहा, और उस माहौल में वो ही बात बहुत समझ से भरी हुई थी. मैं किताबों के बाहर जितनी भी चीज़ें सीखी, कर पाई, करती हूँ, दैट इज़ बिकॉज शी टोल्ड मी कि किताबी कीड़ा, एकेडमिक एक्सेलेंस इतना ज़रूरी नहीं है लाइफ में जितना लगता है. एंड शी मेंट अ लॉट टू मी. सो व्हाट शी सेड, फोर्थ क्लास के बच्चे की लाइफ आगे अलग हो जाती है अगर वो अलग तरह की हो. तो जैसे वो बार बार कहते आए हैं कि 7 साल तक एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, 7 साल की उम्र तक के, वो आपको शेप कर देते हैं. उसके बाद उनको बदल पाना, खुद को बदल पाना,
बहुत ही करेज के साथ, वो प्रिविलेज कितनों को मिल पाएगी पता नहीं, तो तब तक उन बच्चों का ध्यान रख लें हम सारे मिल के। किसने एक्सपीरियंस रहा पर्सनल एक्सपीरियंस? जैसे मुझे ऑफकोर्स मतलब मैं बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा हूँ, मैं एक जगह नहीं पढ़ा हूँ, और हमेशा नए नए बच्चों के साथ, सिस्टम्स के साथ, टीचर्स के साथ एडजस्ट अकोमोडेट करना, बुली भी बहुत बार हुआ हूँ, यू नो। तो मतलब एक स्कूल में तो मैं मतलब गया और पहले दिन मेरी इतनी बुलिंग हुई, राइट इन द मिडल ऑफ द टर्म में गया था और पहले दिन इतना बुली हुआ हूँ मैं स्कूल मतलब घर गया और मैंने कुछ नहीं खाया पिया, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ माँ बाप को बोला मैं स्कूल नहीं जा रहा, मुझे पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। मतलब ये बहुत अच्छा था कि उन्होंने मेरी बात सुनी एंड लाइक दे शिफ्टेड जस्ट फॉर मी टू द स्कूल, अर्लियर स्कूल एंटायर, एंड फिर मैंने वो टर्म ख़त्म की एंड देन वी हैड टू चेंज और हम अलग जगह गए। मैं सेवन्थ क्लास में था, I guess, yeah, Killa was like, it was based on those books. Of course, everything. So it's like, तो वो जो होता था, तो bullying हो या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो आपको मतलब you know बहुत ज़्यादा कुछ inspire कर जाते हैं, आपके ही दोस्त ऐसे भी कुछ मिलते हैं, और तो अलग अलग तरह के experiences, तो ये किसी एक चीज़ से और एक experience से नहीं बना है, ये ऐसे बहुत सारे experiences का एक एक मिल के वो आया है। And at the same time, जैसे मैंने बोला कि बोर्डिंग स्कूल में मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा वो दुनिया जो है वो मुझे बहुत एक आकर्षित करती रही है कि किस तरह का माहौल यहाँ पे होता होगा, किस तरह का डिसिप्लिन यहाँ पे होता होगा, किस तरह की सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो एक अलग लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे एक क्लास इसमें होता होगा, यू नो, बिकॉज आई हैव स्टडीड इन लाइक स्टेट बोर्ड स्कूल, लाइक जो होता था, मुझे जानना था कि बाबा ये दुनिया किस तरह की होगी, और या तो इस शो के दौरान मुझे वो एक एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। जी, आप काउंसलर का करेक्टर कर रहे हैं, एज ए काउंसलर आज के टाइम के बच्चे बहुत सारे बोर्डिंग में हैं, वो भी और या बोर्डिंग के बाद गलत कदम उठा लेते हैं या कुछ करते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप एज ए काउंसलर? जी, मैं काउंसलर का पार्ट प्ले कर रही हूँ। सो मैं ये ज़रूर, मुझे बस इतना ही लगता है कि देखिए, सही समय पर सही इंसान का आपकी लाइफ से जुड़ना और आपके कान में वो सही बात पड़ना, वो अब किस्मत की बात होती है। कई बार हमारे बस में नहीं होता कि उस वक्त हमारी यू नो हमारे मेंटली हम लोग बिल्कुल ही वो समझ पाएँ कि हमें ये करना है या ये सही है, और जब तक आप किसी की सिचुएशन में नहीं है तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वो किस सर्कमस्टांस में है या किस जद्दोजहद में है या यू नो सही गलत बहुत ही एक वो है, एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। और आई जस्ट होप एंड विश फॉर एवरी स्टूडेंट एंड एवरी चाइल्ड एवरीवेयर दैट आपको सही समय पर सही गाइडेंस मिले, और एक कई बार आपको बस एक सहारा चाहिए होता है किसी का, अगर आप किसी एक टफ सिचुएशन से निकल रहे हैं, अगर हम लकी हैं तो हमें वो मिल जाता है, नहीं है तो फिर अल्लाह मालिक। और वो अडल्ट्स के साथ भी बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों के साथ ही होता है। सो आई जस्ट थिंक दैट कभी भी जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए, हमेशा बस याद रखें कि ये समय है, ये निकल जाएगा, और आज जो हो रहा है वो कल नहीं होगा। उतनी बात अगर हम लोग याद रखें तो शायद अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को हम बचा सकते हैं। सोशल मैसेज मुझे लगता है कि ऑफकोर्स एक डायलॉग शुरू हो इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि 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 मुझे मतलब मैं कौन होता हूँ मैसेज देने वाला, मुझे ऐसा अक्सर लगता है, मुझे सिर्फ मतलब मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेंट नज़र से मैं देखता हूँ दुनिया को कि बाबा इस तरह की दुनिया इर्द गिर्द हमने इकट्ठा मिलकर क्रिएट की है,
और इस तरह की चीज़ें होती है इस दुनिया में। और ये जब आप देखते हो, और ऐसा नहीं है कि मतलब हर इंसान मतलब अलग अलग, हमारी लाइफ में वैसी घटनाएं नहीं हो रही है, कुछ और हो रही है, लेकिन किसी की ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हुई है और वो कहानी मतलब फिल्म ये माध्यम जो है या शोज़ ये माध्यम इसीलिए है कि हम दूसरे लोगों की कहानियाँ जी पाए, देख पाए, उनसे कुछ सीख पाए, वो एक्सपीरियंस कर पाए। और क्योंकि आप जब देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ, और वो जो इंसिडेंट मैं जब जी रहा हूँ तो अलग मेरे अंदर जो मतलब एक इमोशनली जो कुछ एक यू नो एक सैलाब उठता है और उस वजह से मुझे जो फीलिंग्स आती है और उस तरह से जो भी परिवर्तन मेरे अंदर घटित हो रहा है वो बहुत, और ये मैं बोल रहा हूँ कि एक 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 फिल्म के एक शो के वजह से एकदम से नहीं बदलता है वो मतलब वो संस्कार जो है मुझे लगता है वो सदियों का है और एक सदियों का कंडीशनिंग हमारा रहा है सारी चीज़ों का। तो सिनेमा ये तो ये एक 100 साल पुराना आर्ट फॉर्म है जो बहुत नया है मुझे लगता है। तो और उसी 100 साल में बहुत ज़्यादा संस्करण इस मीडियम ने किया है यू नो। तो मैं कुछ बदलना या फिर कुछ ये होना मतलब आई बी एन ऑप्टिमिस्ट इफ आई से दैट बट हर कोई क्योंकि ये सोसाइटी का ही चित्रण है यू नो। तो सोसाइटी का ही एक मिरर है, चित्रण है और वो हम देखते हैं और मतलब वो वैसी वाली बात है कि मिरर में अपना चेहरा देख के आपको समझ में आ जाता है कि यार मैं खुश हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं जवान हूँ, मैं क्या हूँ यू नो। तो वो वैसा है कि अगर वो देखने के बाद जैसे भाव आपके अंदर पैदा होते हैं उसी और उसी भाव से अंदर कुछ घटित होता है और आप अपने आप बदलते रहते हो, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है। तो सेकेंड जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हमारा शो आ रहा है। बहुत सेंसिटिवली अप्रोच्ड, एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया क्रिएट की हुई है और उस बीच हम आप इस यहाँ पर जो हमारे आसपास हम लोग आप यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट इन सम वे और अनदर। आपको लगेगा हाँ मैं किसी को जानती थी या किसी को जानता था जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ, और आपको एक 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 अंदर एक गहराई में जाने पर मजबूर करेगा ज़रूर। तो ज़रूर शो देखिए और हमें बताइए कैसा लगा। ऑल ऑफ अस आर ईगर टू नो आपको आप उसने कहाँ मिले और आपको कैसा लगा। प्लीज राइट टू अस समहाउ समवेयर। थैंक यू। थैंक यू। पोस्ट बॉक्स नंबर या पोस्ट बॉक्स नंबर दे दीजिए। चार चिट्ठियां भी नहीं दूरदर्शन के जमाने में पता पोस्ट बॉक्स नंबर। मैं वही सोच रहा हूं अभी मैं दे भी दूं कोई लिखेगा थोड़ी। सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेस। या सोशल मीडिया इज द सेम दैट्स द न्यू या एड्रेस डीएमस। यस डीएमस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।